Click on the bell icon to watch our latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कानियाल फिर से आपका स्वागत करता हूं कल्चर किचन जयपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूं ढिंगरी हरे प्याज की सब्जी। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैं इतना एकदम से बारीक मैंने प्याज काट दिया है। अब मैं इसको एक बॉल में एक साइड रख देता हूँ। एक मीडियम आकार का मैंने प्याज लिया है और इस प्याज को मैं काटूँगा फाइन चॉप। इतना एकदम बारीक माहिन क्या फाइन चॉपिंग मैंने प्याज को काट दिया है और अब मैं इसको बॉल में रख देता हूँ। अब मसालों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रखा है मैंने गरम मसाला, ये बारीक अदरक काट के रखा हुआ है मैंने, ये बारीक प्याज लंबा लंबा स्ट्रिप्स जूलियन काटा है, ये मैंने कसूरी मेथी लिया है यहाँ पे थोड़ा सा, ये लहसुन चॉप बारीक कटा हुआ लहसुन मैंने लिया है यहाँ पे, धनिया पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे, हल्दी, ये लाल मिर्च, नमक, ये रिफाइंड तेल, टमाटर जो मैंने बारीक काट के रखे हुए यहाँ पे, प्याज, हरी मिर्च जो मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई है, ये हरा धनिया जो मैं बारीक काट के रखा हुआ हूँ अभी यहाँ पे, बटन मशरूम बोलते हैं हम इसको, छोटे वाले मशरूम हैं ये, इन छोटे वाले मशरूमों को मैंने 1:3 किया है, मैंने 1:3 पीस किया है इनके, थोड़ा साइज़ बड़ा होना चाहिए ताकि सब्जी प्याजों के साथ में जब ग्रेवी लिपटेगी तो वो अलग से दिखना चाहिए वो, इसके लिए मैंने थोड़े से मशरूम के पीस बड़े किए हैं और ये मैंने हरा प्याज काट के रखा है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम ढिंगरी हरा प्याज यानी कि हरे मशरूम की सब्जी हम कैसे बनाते हैं। पहले मैं तेल लेता हूँ यहाँ पे, ये मैं तेल लूँगा यहाँ पे 3 ये टेबल स्पून है हमारा। मैं इसे 1 मिनट के लिए गर्म होने दूँगा, जास्ती नहीं, 1 मिनट के लिए गर्म होने दूँगा, हो भी गया। मैं इसमें अदरक डालूँगा, टी स्पून है ये जिंजर, 1 टीस्पून डालूँगा मैं गार्लिक यानी कि लहसुन, इसको 20 सेकंड यानी कि 15 से 20 सेकंड में इसको भून लेता हूँ। ब्राउन हो गया, तड़कने लग गया ये। अब डाल देता हूँ इसमें कटा हुआ प्याज करीब 3 टेबल स्पून। मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगा, कलर चेंज होने दूंगा इसका 2 से 3 मिनट के लिए। गोल्डन हो गए हैं, कलर बदल लिया प्याज ने अपना, अब कलर बदल लिया तो खुशबू आने लग गया। इसमें टमाटर डाल देता हूँ करीबन 3 टेबल स्पून। इसको 2 मिनट पकाऊंगा मैं 2 से 3 मिनट के लिए। 4 ग्राम करीब, ये फुल नहीं भरा है, उससे थोड़ा कम है, 4 ग्राम करीब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। मैं इसमें 1 टीस्पून यानी कि 5 ग्राम मिर्ची पाउडर है ये। मैं इसमें 4 ग्राम प्रेफर करूँगा आपको, बाकी आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। आधा से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, ये टीस्पून है। कसूरी मेथी थोड़ा हम चुटकी से लेंगे थोड़ा, क्योंकि इसको मसलना होता है। अब इसको स्लो फायर में थोड़ी सी हम पका लेते हैं। हमें थोड़ा इसमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जरा सा थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं हम इसमें, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अब चूँकि मैंने इसमें मसाले मिला दिए हैं, ज़रा सा आँच तेज़ कर लेते हैं। अब आती है बारी इसमें डालने की मशरूम, अब इसमें डालता हूँ मैं मशरूम, जो कि मैंने ये 1 कप में पहले ही 150 ग्राम मशरूम बना के काट के रखे हुए हैं।
ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च डेढ़ टी स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसका डालेंगे हम मेन इंग्रेडिएंट्स जिसके नाम से सब्जी बन रही है, हरा प्याज। बहुत ही पौष्टिक है दोस्तों, बनाइएगा घर में ज़रूर, और बना के खा के मुझे भी बताना कि आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताएं। अब हम इसमें डालेंगे हरा प्याज जो कि मैंने ये बारीक काट के रखा हुआ है। ये हरा प्याज करीब आप डालेंगे करीबन 3 टेबल स्पून है। ये अपना जो खाने वाला चम्मच है उससे मैंने ये 3 टेबल स्पून मैंने ये सब्जी में डाल दिए हैं, हरे प्याज की और मशरूम की सब्जी, जिसे हम ढिंगरी दो प्याजा भी बोलते हैं। तो दोस्तों लाजवाब दिख रही है। अब थोड़ा सा इसमें हम झटका डाल देते हैं, बोले तो धनिया, खुशबूदार, जो इंडियन फूड का बादशाह है। चुटकी भर गरम मसाला डाल दिया, मैं गरम मसाला मैंने होम मेड यूज किया है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। हरे प्याज मशरूम की सब्जी है, बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, बनाइएगा, टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ।